हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज हिमाचल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेधा प्रोत्साहन योजना और कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेधा प्रोत्साहन योजना के बारे में। मेधा प्रोत्साहन योजना है क्या आखिरकार और इसके क्या मेन उद्देश्य हैं उसके बारे में बताऊँगा मैं। तो मेधा प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन कुछ कारणवश, जैसे कि आर्थिक कारण और पारिवारिक स्थितियों के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, अपनी कोचिंग आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हिमाचल सरकार बहुत ही अच्छी एक स्कॉलरशिप लेके आई है मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत। तो वो बच्चे उस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। हिमाचल सरकार का बहुत बड़ा एक कदम है शिक्षित भारत के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस मेधा प्रोत्साहन योजना में इस बार लाभान्वित होने जा रहे हैं। तो उनको मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि पिछली बार भी मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, तो उसमें से 200 बच्चे थे जो साइंस के थे और 100 बच्चे कॉमर्स और 50 बच्चे आर्ट स्ट्रीम के थे। जब वो सिलेक्ट हुए थे तो उनको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई थी, लंबी चौड़ी नहीं बोलूंगा, 15-20 इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी गई थी, जिनमें से उनको कुछ इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना था, फिर उसमें से किसी एक इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन लेना। मैं बताना चाहूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि 15-20 इंस्टीट्यूट में थे, किसी एक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना वो भी अपने करियर के लिए काफ़ी कठिन होता है। तो मैं बताना चाहूँगा क्या चीज़ें थी जिसने मेरे को कैरियर पॉइंट की तरफ आकर्षित किया। तो सबसे पहली चीज़ थी एक्सपीरियंस टीचर्स। तो एक्सपीरियंस टीचर्स का होना बहुत ही अहम है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग राज्य के बच्चे आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसमें एक एक्सपीरियंस टीचर ही समझ सकता है कि बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाए। तो एक्सपीरियंस टीचर का होना बहुत ही अहम है। और दूसरी बात वीडियो लेक्चर्स के जरिए, जैसे कि आपकी कोई मान लो आपकी बीमार पड़ जाते हैं, कोई कारणवश आपकी क्लास मिस हो जाती है, आपको कोई टेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट भरा है आपने, उसके लिए आप गए थे और आपकी बाई चांस वो क्लास मिस हो जाती है, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं उन टीचर्स के जो आपको पढ़ाते हैं कोचिंग में। तो आप वीडियो लेक्चर के जरिए जो आपको टॉपिक नहीं कर पाए आप क्लास में, आपकी क्लास छूट गई थी, वो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको फिर भी उस वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी आपको कोई डाउट है, तो बहुत ही बढ़िया एक डाउट काउंटर पर आप जाइए। डाउट काउंटर कुछ नहीं है, एक टीचर का टाइम पीरियड होता है जिसमें वो रहते हैं उस काउंटर के ऊपर, और वो जो बच्चे जिनका कोई टॉपिक कमज़ोर है या फिर कोई भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है वो डाउट क्लियर करते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद हॉस्टल की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मोटिवेशनल सेमिनार समय समय पर किए जाते हैं, और मेजर और माइनर टेस्ट एक रेगुलर इंटरवल के बाद होते हैं। इन सब चीज़ों ने मेरे को बहुत ही मतलब आकर्षित किया कैरियर पॉइंट की तरफ, और मैं यही बताना चाहूँगा कि कैरियर पॉइंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर माई कैरियर। एंड जो बच्चे इस बार फिर से 2020 में मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कैरियर पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है आगे आपके नीट और जेएमएस की तैयारी के लिए। तो मेरे सारे पंजाबी भाइयों, कैरियर पॉइंट मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था, और मैं थानू भी यही कहना चाहता कि कैरियर पॉइंट अगर तुम लेंदे तो जीवन सफल है।